तो जैसा कि हर शाम को मैं आराम से बैठकर गाने सुना करता हूँ और अचानक से ड्रॉप हो जाता है दी मार्वल्स का टीजर। और अगर आप लोगों ने अभी तक उसका टीजर नहीं देखा तो आप लोग उसे चेकआउट करके आ जाओ और उसे देखने के साथ ही सीधा फिर से इसी वीडियो पर आ जाना, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है आपको उस टीजर का एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन शुरू करने से पहले मैं एक चीज रिकॉल कर देना चाहता हूँ जो की जुड़ी है मिस मार्वल के एंडिंग से। तो मिस मार्वल के एंडिंग के अंदर हम लोगों ने देखा ही था कि कैसे कमला खान मिस मार्वल के साथ स्विच हो जाती है और इस मूवी की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी जगह से होने वाली है। और ये स्विच हो जाने वाली चीज आप लोग भी आगे के लिए याद रख लेना, क्योंकि टीजर में आगे के लिए काफी काम आने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे इसी टाइप का अमेजिंग कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप की वीडियोस लाता रहूं। तो टीजर की शुरुआत होती है एकदम डीप स्पेस के अंदर से और यहाँ पर हमें साइबर स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है और हमें अचानक से एक चीज दिखाई जाती है जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और वो था निक फ्यूरी। और निक फ्यूरी यहाँ पर कैप्टन रैम्बो यानी कि मोनिका को ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि उसे स्पेस सूट पहनाकर कहीं बाहर उतार दिया गया है, वो भी डीप स्पेस के अंदर। और मोनिका बाहर जाकर किसी चीज पर रिसर्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक से निक फ्यूरी का उससे कनेक्शन टूट जाता है और उसके सामने से किसी और इंसान की आवाज आने लगती है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि थी कमला खान। वो उसी शील्ड के पास से टकरा कर पीछे हट जाती है जहाँ पर मोनिका रिसर्च कर रही थी। और कमला खान यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुकी है और यहाँ पर उसकी मुलाकात निक फ्यूरी से होती है और कमला खान यहाँ पर निक फ्यूरी को पहचान जाती है। और इस जगह पर निक फ्यूरी की शक्ल बताई रही है कि वो कितना ज्यादा परेशान है, और परेशान हो भी क्यों ना, आखिर सीक्रेट वॉर्स की दिक्कत भी इसी के सर पर पड़ने वाली है। और मैंने एक दूसरी वीडियो के अंदर सीक्रेट वॉर्स के ट्रेलर का भी ब्रेकडाउन किया है और अगर आप लोग वो चेकआउट करना चाहो तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो एनीवे हम लोग हमारे टॉपिक पर फिर से लौट जाते हैं। कमला खान यहाँ पर निक फ्यूरी को पहचान चुकी थी और उसे देखने के साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होने लगती है। निक फ्यूरी को देखने से पहले तो वो काफी ज्यादा घबरा रही थी और मदद को पुकार रही थी, और निक फ्यूरी को देखने के साथ ही वो उससे पूछने लगी कि क्या ये किसी टाइप का एवेंजर्स टेस्ट है, मतलब बेचारे निक फ्यूरी के पास कुछ और काम ही नहीं है, इस बेचारे को तो जैसे एवेंजर्स की भर्ती के लिए ही रखा गया है। और निक फ्यूरी भी यहाँ पर कमला खान को देखकर समझ ही चुका होगा कि ये किसी टाइप की टिपिकल टीनेजर है। और अब निक फ्यूरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर मोनिका कहाँ पर चली गई, और फिर हमें मोनिका दिखाई जाती है जो कि किसी दूसरी ही जगह पर पहुंच चुकी थी। और अब मोनिका जैसे ही उठकर उस जगह को देखने लगती है तो उसके सामने काफी अजीब अजीब से क्रिएचर्स भागते हुए आ रहे थे। वैसे तो ये लोग किसी टाइप के क्रिएचर नहीं दिख रहे, लेकिन इनकी हरकतों से ही पता चल रहा है कि एकदम नासमझ है। और अब हमें मिस मार्वल्स का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरल डैनवर्स पहुंच चुकी है कमला खान के घर के अंदर और अपने ही सारे फोटोज देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि वो काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि यहाँ पर उसी का कोई फैन रहता है। आखिर हर दीवार पर कैरल डैनवर्स का ही थोबड़ा जो चिपका है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने ही फैन के घर के अंदर घुसने के साथ ही उसके मुंह से गालियां निकलने लगती है। और फिर वहां पर बड़ा सा मार्वल स्टूडियोज का लोगो लिखा हुआ आता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस चीज का नाम दी मार्वल्स है, जैसे कि हमें पता ही नहीं। और अब अचानक से दरवाजे पर नॉक होती है और निक फ्यूरी और मोनिका यहाँ पर कमला खान से मिलने आए थे। कमला का डैडी यहाँ पर बिल्कुल ही कंफ्यूज लग रहा है और निक फ्यूरी बताता है कि हम यहाँ पर कमला खान से मिलने आए हैं, और कमला की खुशी का यहाँ पर तो ठिकाना ही नहीं है। आखिर निक फ्यूरी उससे मिलने जो आया है, आखिर लौंडिया के चेहरे की चमक तो देखो। फिर ये लोग आराम से कमला खान के घर के अंदर बैठकर अपनी पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं। मोनिका यहाँ पर अपनी पावर्स का इजहार करती है, लेकिन कमला खान तो उसे अपनी पावर्स दिखा ही देती है। और पावर दिखाने के साथ ही वहाँ पर फिर से कैप्टन मार्वल आ चुकी थी, यानी कि मोनिका वापस कहीं और पहुंच गई। और अब हमें कमला खान के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि निक फ्यूरी से पूछ रहे थे कि आखिर हमारी बेटी कहाँ चली गई, और ये सीन जरूर मूवी के किसी दूसरे पार्ट से लिया गया होगा। और हमें दिखाया जाता है कि कमला खान किसी दूसरे स्पेसशिप के अंदर पहुंच चुकी है, और मुझे नहीं पता कि ये चीज आप लोगों ने नोटिस करी या नहीं, लेकिन घूस वापस आ चुकी है। और अगर आप लोग भूल चुके हो कि आखिर घूस कौन है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। घूस वही बिल्ली है जिसने अपने निक फ्यूरी को कान्या बना दिया। वैसे घूस पूरी तरह से एक बिल्ली नहीं है, ये किसी टाइप का एलियन है जो कि एक बिल्ली की बॉडी के अंदर छिपा हुआ है। और कमला खान जिस भी जगह पर फंस चुकी है वहाँ पर घूस अपना कमाल दिखा रही है, मतलब सामने वाली पार्टी को खाकर। वैसे तो हम लोगों को नहीं बताया गया कि पूरे ट्रेलर के अंदर आखिर विलन कौन है, लेकिन इस जगह पर बैड गाइस की ही बुरी तरह से धुलाई चल रही है। और अब हमें मोनिका, मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल दिखाई जाती है जो कि स्पेस में कहीं पर जा रहे थे, और निक फ्यूरी भी अपने स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में तैयार बैठा है, यानी कि किसी टाइप की तैयारी चल रही है। और आखिर के कुछ सीन के अंदर हमें ये तीनों ट्रेनिंग करते हुए दिखाई जाती है, और फिर कमला खान के अलावा यहाँ पर कोई भी टीम बनने को रेडी नहीं था, यानी कि वही हर सुपर हीरो की टीम बनने से पहले का बसड़, जैसा कि हमने एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर भी देखा था। एक के अलावा बाकी के लोग एक दूसरे को टीम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, निक फ्यूरी जो वहाँ पर हाजिर है। आखिर पूरी मार्वल फ्रेंचाइज के अंदर उसने सबसे बेस्ट टीम भी बनाई थी जिन्हें हम दी एवेंजर्स के नाम से जानते हैं। और इसी सब के साथ ये छोटा सा टीजर यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे तो टीजर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि इसके अंदर फन एलिमेंट को भी ऐड कर दिया गया है, और कुछ ही समय पहले मार्वल ने यहाँ पर इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग भी करी। पहले तो लोगों को वो पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए,
और फिर क्रिटिक्स ने बताया कि ये पहले से कई गुना ज्यादा अच्छा बन चुका है और मार्वल सिर्फ इस साल अपने कुछ ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है और दी मार्वल्स भी उसी लिस्ट के अंदर शामिल होने वाली है। और हम लोग सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट को भी ना बिगाड़ दे, क्योंकि पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स कैसे गए हैं ये बताने की मुझे आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। ये मूवी नवंबर 2023 के अंदर रिलीज होने वाली है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। और विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को खत्म करने का समय आ चुका है। और आखिर आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।